आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैकबुक ओएस के टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो की स्टार्ट होने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। गाइस आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकबुक ओएस के टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फर्स्ट मैं बता दूं आपको, यदि आपका मैकबुक अपडेट ना हो तो पहले अपडेट कर लो। अबाउट दिस मैक पे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मेरा मैकबुक अपडेट है, सो मैं काट देता हूँ। सो नेक्स्ट टिप्स है, यदि आपका यह नया वर्जन मैक ओएस का है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्विक नोट्स का ऑप्शन। सो क्विक नोट्स पे क्लिक करते ही आप लोग एक नोट्स खुल जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर कोई भी नोट्स सकते हो, एक और सेव कर सकते हो। और नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इस जो नया मैक ओएस आया है इसमें है कि सब लॉन्चर पे जाके अदर्स में जाके शॉर्टकट्स पे क्लिक करके आप कोई भी ऐप शॉर्टकट्स में ऐड करके और फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो। ठीक, तो उसके बाद यदि आपका बैटरी साइकिल मालूम करना हो कितना मेरा बैटरी साइकिल मैकबुक का हो चुका है, सो आप लोग यहाँ पे अबाउट दिस मैक पे जाके सिस्टम रिपोर्ट पे जाके आप लोग यहाँ पे पावर में देख सकते हो साइकिल काउंट कितना हुआ है और कंडीशन कितना क्या है। आपकी बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है या नहीं, उससे कम भी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ में बात करना चाहता हूँ, यदि आप 100 पे देखोगे यहाँ पे टैक्स कुछ है। सो इंट्रो रेट और इंस्टूट टैक्स, इसका मतलब क्या होता है। यदि मान जाओ मैं इस फोल्डर को क्लिक करके कुछ ग्रीन टैक्स में रखता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप फाइंडर में जाके ग्रीन टैक्स खोल के आप सेम फोल्डर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, यदि आप कोई दिक्कत हो ज़्यादा फोल्डर फाइल हो जाए तो जो इम्पोर्टेंट फाइल हो फ्रिक्वेंटली यूज करने का, यहाँ से आप लोग टैग करके यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग यहाँ पे मेन्यू बार में देखोगे कुछ ब्लूटूथ का ऑप्शन है, कुछ बैटरी का, कुछ इसके कीबोर्ड ब्राइटनेस का, आप लोग इस मेन्यू बार में कैसे रखे या ना रखे। मान लीजिए इसमें वाईफाई तो मेरा है नहीं, मैं वाईफाई ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाईफाई। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आप नेटवर्क प्रेफरेंस पे क्लिक करूँगा फिर। यहाँ पे देख सकते हो शो वाईफाई स्टेटस इन मेन्यू बार, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार में दिखेगा, यदि ना क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ठीक, कोई भी आप यहाँ से शॉर्टकट्स यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इसमें है फोकस मोड। फोकस मोड ऑन करने के बाद आपको कोई भी डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा कितने घंटे के लिए फॉर 1 आवर। ठीक है, यदि आप कोई भी कोडिंग या कुछ भी करें उस पर फोकस होना। नेक्स्ट इसमें सिस्टम प्रेफरेंस पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर्स पे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या स्क्रीन सेवर्स भी चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स का स्क्रीन से। यदि आपको कोई भी फोल्डर हो तो फोल्डर भी देख सकते हो, फोटो जो है उसे भी स्क्रीन सेवर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिस्टम प्रेफरेंस में ही है जो बैटरी होता है, बैटरी का आप लोग यहाँ से डायरेक्ट हेल्थ भी देख सकते हो। बैटरी हेल्थ पे क्लिक करने के बाद आप लोग मैक्सिमम कैपेसिटी 100 देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ कि जो अबाउट दिस मैक है इसमें आप लोग यहाँ पे जाके सपोर्ट पे देख सकते हो कितने दिन मेरा वारंटी बचा हुआ है। और मैं आप कुछ शॉर्टकट की कीज बता देता हूँ। फर्स्ट शॉर्टकट कीज यह है कि कमांड शिफ्ट प्लस 5 क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रीन शॉट्स सेलेक्टेड स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो, होल स्क्रीन शॉट भी देख सकते हो,
और कुछ रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, कुछ सेलेक्टेड पोर्शन का भी रिकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। सो नेक्स्ट कमांड शिफ्ट प्लस फोर है, कमांड शिफ्ट प्लस फोर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ हम सेलेक्टेड पोर्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट होने के बाद डायरेक्ट यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, या आप कुछ एडिट भी करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हो। यदि आपको यह पसंद ना आए तो यहाँ पर डायरेक्ट डिलीट कर दो, या डन करोगे तो ये आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा या कहीं भी सेव हो जाएगा, ठीक। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक। ये डायरेक्ट रिसाइकल बिन में गया और रिसाइकल बिन में क्लिक करने डिलीट पूरा साफ करने के लिए यहाँ पर इम्प्टी बिन कर देते हैं। इम्प्टी बिन करने के बाद रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा। सो आप और नेक्स्ट है इसमें ब्राइटनेस चेंज करने के लिए, फिर ब्राइटनेस कम करने के लिए F1 लोग क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए F2 क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। यदि मान लीजिए मैं दो तीन स्क्रीन खोल दिया और F3 क्लिक करूँगा तो इसमें सब स्क्रीन डिवाइडेड हो जाएगी, और जो भी आपको स्क्रीन प्रेजेंट टाइम में चाहिए उसे आप लोग यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हो। सपोज मैं मल्टी स्क्रीन करता हूँ, देखिए तीन स्क्रीन आ चुका है डेस्कटॉप पे। शॉर्टकट्स में F4 दबाने के बाद स्पॉटलाइट सर्च तुरंत आ जाएगा, कुछ भी फोल्डर या फाइल कुछ भी सर्च करना हो मैकबुक में यहाँ पर डायरेक्ट टाइप करके सर्च कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर F5 करने के बाद आपका जो ऑडियो वो ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें है F6 दबाने के बाद डो नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ इसका कोई ज़रूरत ना होगा फोकस मोड।